दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय स्प्लाइस। है मजबूत रहे टूट। तेरा आना तो एक बहाना था मेरे घर को जो सजाना था। स्प्लाइस प्लाई बोर्ड एंड डोर्स, हम दरवाजे ही नहीं रिश्ते भी मजबूत बनाते हैं। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी से शुरू हुआ ये मेला महाशिवरात्रि यानी कि 11 मार्च तक चलेगा। मेरा लगता है तो इसके तमाम आकर्षण भी होते हैं, नदी किनारे का माहौल, रेती, मेले की दुकानें, खाने खरीदने का सामान वगैरह। इनके अलावा इस तरह के धार्मिक मेलों में आने वाले संतों को लेकर भी खासा आकर्षण रहता है। लेकिन माघ मेले का एक और आकर्षण है यहाँ आए बाबाओं के नाम। इस वक्त दो बाबाओं के नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, एक हैं ट्रंप बाबा और एक हैं हिटलर बाबा। पहले बात करते हैं हिटलर बाबा की। हिटलर बाबा का असली नाम है महामंडलेश्वर माधवदास। ये बाबा दिगंबर अनि अखाड़े से हैं। माधवदास प्रयागराज के सैदाबाद के रहने वाले हैं। माधवदास के हठी स्वभाव के कारण उनके गुरु रघुवर दास ने उन्हें हिटलर नाम दिया था। इसके बाद से ही वे हिटलर बाबा के नाम से पहचाने जाने लगे। दी टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए माधवदास ने बताया, मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा और बाद में मेरा किया काम ही सही साबित भी हुआ। संन्यास लेने का फैसला भी मेरा ही था। जब मैं इसके लिए अड़ गया तो मेरे गुरु ने मुझे हिटलर नाम दे दिया। हिटलर बाबा बताते हैं कि एक बार वो किसी यात्रा पर निकलने की तैयारी में थे, तभी उनके गुरु रघुवर दास ने कहा कि यात्रा कुछ दिन टाल दो क्योंकि दिशा शूल है। मतलब ये ऐसा समय है जब किसी यात्रा पर निकलने को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन हिटलर बाबा नहीं माने, निकल पड़े। बोले कि जब तक मेरा गुरु मेरे साथ है कुछ अशुभ नहीं हो सकता। अब बात माघ मेले में आए हुए ट्रंप बाबा की। साकेत धाम आश्रम के महंत कंचन दास, महंत जी मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम किए हुए हैं। इसके बाद धर्म क्रम में उनका मन रम गया। चेले बताते हैं कि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, महंत कंचन दास को वो खासे पसंद आ गए। अब बाबा एमकॉम पास आउट हैं तो खटाखट अंग्रेजी भी बोलते हैं। इसी नाते उनके गुरु विनायक बाबा ने नाम रख दिया ट्रंप बाबा। ऐसे ही एक फैसले में ट्रंप बाबा का खूब एकाधिकार रहता है, उसमें कोई दखल भी नहीं देता है। वो फैसला है कि आज खाने में क्या बनेगा। इसी तरह माघ मेले में मारुति बाबा और धुंधकारी बाबा भी आए हुए हैं। धुंधकारी बाबा का असली नाम रामदास त्यागी महाराज है। वहीं हनुमान जी के भक्त मारुति बाबा की असल पहचान है काशी के पीठाधीश्वर बाबा जगदीश दास। यानी आप मेले से गुजरेंगे तो अनोखे नाम वाले बाबाओं की गिनती चलती रहेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कहते हैं, बाबाओं को अनोखे नाम मिलने की परंपरा तो काफ़ी पुरानी है। गुरु अपने शिष्य को उसकी किसी खासियत के आधार पर नाम देते हैं और फिर यही नाम उसकी पहचान बन जाता है। इन अनोखे नामों से भक्तों के बीच भी उन संत को लेकर अलग किस्म की जिज्ञासा बनती है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आना चाहिए कंप्यूटर बाबा का। मध्य प्रदेश के बाबा नामदेव दास त्यागी 2018 में उस वक्त चर्चा में आए जब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। कहा जाता है कि अपना लैपटॉप हमेशा साथ लेकर चलते हैं, इसलिए उनको कंप्यूटर बाबा बुलाया जाता है। कंप्यूटर बाबा पर भी कई केस दर्ज हैं जिसमें तलवार लेकर एक व्यक्ति के घर में घुसने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी शामिल है। इनके अलावा शासकीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप भी बाबा पर लगा है और इन्हीं मामलों के सिलसिले में वे जेल भी जा चुके हैं। अगला नाम गोल्डन बाबा का। गाजियाबाद के रहने वाले सुधीर कुमार मक्कड़, चर्चित नाम गोल्डन बाबा, सोने से बिल्कुल लदे हुए बाबा हैं। बताया जाता है कि सुधीर कुमार मक्कड़ यहीं गाजियाबाद में कपड़े का व्यापार करते थे। 1972 के आसपास मन उचट गया तो संन्यास ले लिया। सोने को इष्ट देव माना, इसलिए काफ़ी सोना पहने रहते थे और इस तरह गोल्डन बाबा बन गए। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक गोल्डन बाबा पर ईस्ट दिल्ली में अपहरण, फिरौती, वसूली, मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। 1 जुलाई 2020 को लंबी बीमारी के बाद गोल्डन बाबा का निधन हो गया था। इसी तरह बाल्टी बाबा और पायलट बाबा भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुही राज से बीजेपी नेता जगदीश मिश्रा ने 2017 में विधायकी का चुनाव लड़ा था, हार गए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक चमत्कारी बाल्टी है। तो नेताजी ने बाल्टी के इर्द गिर्द आभा बुनी और लोग उन्हें बाल्टी बाबा बोलने लगे। एक पायलट बाबा भी हैं। असल पहचान कपिल सिंह 2007 में इलाहाबाद के अर्धकुंभ मेले से चर्चा में आए। कहा कि मैं संन्यास लेने से पहले वायुसेना में था, इसलिए पायलट बाबा का नाम मिला। फिलहाल धोखाधड़ी के तमाम आरोपों में जेल में है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।